सीसीपीओ चौधरी शफीक अहमद ने डीआईजी ऑपरेशंस राय ताहिर और एसपी सिविल लाइंस मारूफ सफदर वाहला के हमरा सर्विसेज अस्पताल में दरिंदगी का निशाना बनने वाली बच्ची सुंबल की अयादत की। चौधरी शफीक ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस केस की तफ्तीश के लिए एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइंस इम्तियाज सरवर और एसपी सीआईए उमर विर्क की सरबराही में अलग अलग टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इसमें हमने दो स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की हैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए। एक की टीम के हेड जो है वो कंसर्न डिवीजन के एसपी इन्वेस्टिगेशन है इम्तियाज, और दूसरे हमने सीआईए की टीम बनाई है जो इस केस को प्रायोरिटी बेसिस पे इंशाल्लाह ताला ट्रेस करेगी। चौधरी शफीक अहमद का मजीद कहना था कि फॉरेंसिक तजिए के लिए स्वैब लैब में भेज दिए गए हैं। इसमें फॉरेंसिक जो इसकी तजिया एनालिसिस उसके लिए भी हमने वो उनके स्वैब जो फॉरेंसिक लैब में भेजे हैं, वो भी हम इसका कंपेरिजन कराएंगे। पुलिस ने मुलजमान की जल्द गिरफ्तारी के लिए दावा तो कर दिया, लेकिन अब देखना यह है कि मुलजमान कब कैफरे किरदार को पहुंचते हैं।